सो गाइस, अगर हम बात करें रियलमी की तो रियलमी ने सितंबर के महीने में करीब अपने 5 स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो, नार्जो 20, नार्जो 20A, नार्जो 20 प्रो, यानी कि कुल 5 स्मार्टफोन सितंबर के महीने में इंडिया के मार्केट में लॉन्च किए गए। लेकिन गाइस, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही रियलमी अपना एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। ये रियलमी के सीईओ माधव सेठ ने कंफर्म कर दिया और टीज भी कर दिया है। आने वाले 7 अक्टूबर या 9 अक्टूबर को आपको रियलमी की तरफ से एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। क्या गाइस ये स्मार्टफोन एक रीब्रांड स्मार्टफोन होने वाला है या नहीं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो रियलमी 7 प्रो ऐसे स्मार्टफोन होगा, ये स्मार्टफोन किस कीमत के अंदर इंडिया के मार्केट में लॉन्च होगा, मोबाइल फोन पर क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगी। तो ये सब कुछ जानने के लिए बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया की मार्केट में रियलमी 7i स्मार्टफोन को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 662 के एसओसी के साथ आता था। गाइस, लीक्स की माने तो बताया जा रहा है कि रियलमी 7i को रिब्रांड करके इंडिया की मार्केट में रियलमी 7 प्रो SE के नाम से लॉन्च किया जाएगा। तो अगर हम फुल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, HD प्लस का रेजोल्यूशन दिया जाएगा, IPS LCD पैनल और 90Hz रिफ्रेश रेट, साथ में पंच होल कटआउट भी देखने को मिलेगा। तो नो डाउट ये स्मार्टफोन एक बढ़िया डिस्प्ले के साथ आएगा, बट यहाँ पर कोई भी हाई रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रियलमी 7i स्मार्टफोन जो इंडोनेशिया के मार्केट में लॉन्च किया गया था, मैं उसी स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। बात करें मोबाइल फोन के प्रोसेसिंग पावर की तो ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 SoC के साथ आएगा, ऑक्टाकोर का प्रोसेसर मिलेगा, साथ में ये स्मार्टफोन 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज, और हो सकता है कि आपको 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाए, साथ में माइक्रो SD कार्ड के एक डेडिकेटेड स्लॉट भी मिलेगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो ये स्मार्टफोन रियलमी 7 प्रो से मिलता जुलता है, यानी कि कैमरा सेटअप भी आपको रियलमी 7 प्रो जैसा ही देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, और थर्ड और फोर्थ सेंसर 2-2 मेगापिक्सल के हैं, जो आपको हमेशा से रियलमी के स्मार्टफोन पर देखने को मिलते हैं, डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा, जिसके प्लेसमेंट पंच होल के अंदर मिलती है। पावर बैकअप की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग टाइप सी पोर्ट, एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिल जाएगा, रियलमी UI मिलेगी और रियर साइड पर फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। और डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन काफी हद तक रियलमी 7 प्रो स्मार्टफोन से मिलता जुलता ही रहने वाला है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो रियलमी 7i स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन इंडोनेशिया की मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है, और जो लीक्स आ रही है उससे पता चलता है कि जो रियलमी 7i स्मार्टफोन होगा, रियलमी 7i स्मार्टफोन को रीब्रांड करके इंडिया के मार्केट में रियलमी 7 प्रो SE के नाम से 90% लॉन्च किया जा सकता है। अगर गाइस ये स्मार्टफोन रियलमी 7i का रीब्रांड वर्जन नहीं होता है, तो ऐसे में आपको कुछ ही दिनों बाद रियलमी 7i स्मार्टफोन भी देखने को मिलेगा। प्राइस रेंज की बात की तो गाइस अभी तक कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि स्मार्टफोन किस कीमत के अंदर लॉन्च किया जाएगा, बट इतना तो कहना बनता है कि ये स्मार्टफोन 20,000 रुपये से कम डेफिनेटली लॉन्च किया जाएगा। गाइस, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगर मोबाइल फोन के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी स्पेसिफिकेशन सामने आती है तो मैं तुरंत आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए गाइस, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।